जोगता में भूधरशान घर में जमीन दोज होने के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद जिला प्रशासन बीसीसीएल प्रबंधन ने नहीं ली किसी की सुध। डर के साए में सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे गुजार रहे हैं रात, विस्थापन मुआवजा की लगा रहे हैं गुहार। बीसीसीएल सीएमडी के लोगों से अपील, खतरे वाले स्थान को छोड़ें। धनबाद जिले के जोगता थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 5 के जोगता 11 नंबर में मंगलवार अहले सुबह लगभग 2 से 3 बजे तेज आवाज धमाके के साथ दो घर जमीन दोज हो गया था। दो घर पाताल में समा गए, वहीं दो बच्चे और एक व्यक्ति भी घर के साथ जमीन दोज हो गए। हालांकि किस्मत तेज थी कि समय रहते लोगों की नींद खुली और तीनों को बाहर सुरक्षित निकालने में सफल हुए। 200 मीटर के क्षेत्र में दरारें आ गई हैं, जहरीली गैस लगातार रिसाव हो रहा है। घटना में गंभीर रूप से घायल होने पर SNMMCH में तीनों को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के 48 घंटे बीतने के बावजूद जिला प्रशासन बीसीसीएल प्रबंधन खतरे में रह रहे लोगों की सूद लेने नहीं पहुंचे, जिससे लोगों में बीसीसीएल के प्रति आक्रोश है। लोग दहशत में हैं। लगभग 3000 लोग भूधरशान गोफ दरार वाले क्षेत्र में रह रहे हैं। दर्जनों लोग डर के कारण खुले आसमान के नीचे अपने घर को सामान में रख रहने को विवश है। 2017 में भी इस स्थान पर इसी तरह की घटना हुई थी। उसी समय बीसीसीएल सर्वे कर लोगों को बसाने की बात कही थी, लेकिन मामला ठंडा पड़ते ही बीसीसीएल जिला प्रशासन सब भूलकर खतरे में रहने के लिए सभी को रहने दिए हैं। वहीं जमीन दोज हुए घर की महिला का कहना है कि दो कमरा जमीन दोज हो गया, सारा पैसा, कुछ गहना, टीवी, अन्य सामान पताल में समा गया। जो भी लोग यहाँ आए केवल देख कर पूछ कर चले गए। दोनों बेटे घायल हुए, देवर घायल हुए हैं। खतरे में रह रहे लोगों ने कहा कि बीसीसीएल चाहती तो सभी को यहां से सुरक्षित स्थान पर मुआवजा के साथ कहीं बसा सकती है, लेकिन बीसीसीएल ऐसा नहीं करती है। बीसीसीएल प्रबंधन का कहना है कि यहां से चले जाओ, लेकिन कहां जाएं? भूख से मरने से अच्छा है कि यही आदमी जमीन दोज होकर मर जाए। बीसीसीएल सीएमडी शमरन दत्ता ने कहा कि खतरे में रह रहे लोगों को स्वेच्छा से खतरे वाले स्थान से चले जाना चाहिए। बीसीसीएल के नियमानुसार जो है वह करने को तैयार है। झरिया मास्टर प्लान के तहत सभी को सुरक्षित स्थान पर बचाने की प्रक्रिया चल रही है। घटना स्थल का सर्वे किया जाएगा। भाषण दिया कितना कितने कुछ करे बोल। हाँ अभी कहाँ जाए पानी ऊपर तो कहाँ जाए कगर घर नुकबे बता पनीर बोलल कह रानी भोरे से ये बात बोल रही है ये बात भोरे से कहाँ नुकबे कगर घर जीवे कते संपत्ति नुकसान होलो संपत्ति तो बहुत हले कितना क्या क्या धस गया उसे गहना जवार हले अर्तन बर्तन हले अलमारी पलंग फ्रिज कूलर सब हले चोट भी लगा है किसी चोट को लगा ला? 3 आदमी चोट लग गए बच्चा भी है उसमें हाँ दो लड़का है कौन लगता है आपका हाँ बेटा है और जो श्याम बहादुर है देवर है देवर है, देवर है। तो दो को घर धसा है यहाँ पर तीन घर तीन रूम आए बजरंग वाले के ले जाए बजरंग वाले के छोड़वा ना करो देव है तो बजरंग वाले मंदिर भी धस गया मंदिर धस रहे की है बजरंग वाले अलगंट चल गए तो जब घटना हुआ तो समय आप लोग कहाँ थे कहाँ छोड़ वगैरह देख नहीं जीवे हैं कौन सा जगह है ये जोगता 11 नंबर क्या घटना हरजन बस्ती है क्या घटना हुई घटना हुआ 2 बजे रात के भूधसान हुआ अगला बार भी हुआ था 2017 में तो प्रबंधन के थोड़ा सा इससे कोई मतलब नहीं है जो ताज़ा घटना रहता है ना उस पर थोड़ा सा ये करेगा एक बाद में फिर सुस्ती ले लेगा सुस्त जाता है तो स्थिति अभी दिख रहा है ये तो बहुत भयावह है यह तो बहुत भयावह अगला बार से भयावह है भूधसान के चपेट में कितना लोग आए थे भूधसान के चपेट में करीब 5-6 आदमी आए थे कितना घर जमीन दो जो 10 डर डर तो जब पानी पड़ता है तभी डर रहता है इस तरह का स्थिति में तो आप लोग जिंदगी जोखिम में हाँ तो क्या करिएगा प्रबंधन बोलता है कि भाग जाओ यहाँ से हट जाओ मेरे तरफ से कोई प्रावधान नहीं मुआवजा या कोई सुरक्षित पुनर्वास का कोई बात कोई बात नहीं अभी तक देख लिए 2 बजे रात की घटना है अभी तक कोई प्रबंधन आया है ये लोग प्रबंधन है का है कोई डीएम आया आप लोग चाहते क्या है हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से सुरक्षित स्थान पर कहीं बसा दिया जाए मुआवजा के साथ में ये ना कि अपना लोटा बर्तन थरिया लो और जाओ भागो
अगर ये ना होना नहीं मिलता तो क्या इसी तरह मौत का मुहाना में रहेगा? हाँ, मौत का मुहाना में रहेगा तो क्या करेगा? कहीं कोई जुगाड़ ना है, गरीब आदमी है सब, सहारा ना है कोई। अगर सहारा प्रबंधन चाहेगा सहारा दे देगा तो हो जाएगा। और उनके पास है व्यवस्था, मतलब व्यवस्था में यहाँ रह रहे हैं आप लोग? व्यवस्था में रह रहे, मजबूरी रह रहे। लगता कि प्रबंधन का कोई सकारात्मक रोल रहता आप लोग करते? ना, अगला बार भी ना हुआ, इस बार भी ना होगा। मतलब घटना जब होता तो बीसीसीएल थोड़ा रेस होती है? रेस होती है, इसके बाद में सुस्त पड़ जाती है। उस समय आएगा सर्वे करने, 20 बार आएगा, फलाना घर है, ये दो आधार कार्ड दो, वोटर कार्ड दो, जाएगा जडेजा के पास। आप लोग कभी नोटिस दिया है यहाँ खाली करने को लेकर? ना, हम लोग का है नोटिस, नोटिस भी सीसीएल देता है ना। नोटिस अब मिला है कभी? दिया था लेकिन कोई लिए एक्सेप्ट ना किया। कितना बार आया था देने के लिए? 2 बार। लेकिन आप लोग नोटिस देने ना आया था, वो खाली कर रहा था, सर्वे कर रहा था कितना नन को बीसीसीएल है कितना प्राइवेट। रहती आप लोग यहाँ कितना लोगों में रहती? सब टोटल रहती है, अपना जो आदमी है ना बीसीसीएल सबको। अगर आर्मी ने बीसीसीएल मुआवजा या फिर पुनर्वास नहीं करता तो क्या इसी तरह रहिएगा या अपने से हटिएगा आप लोग? क्या करेगा, आखिर भूखे रह के मरबे करेगा, कहीं जाएगा उसका रोजी रोटी का सवाल ना होगा तो वहीं भी भूखे मरेगा, तो चलते यहीं भूखे मरेगा, यहीं धस के मर जाएगा। फिर तो आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? ठीक है, पहले तो आपको धनबाद का धरित्री थोड़ा समझना पड़ेगा। आप जानते हैं इधर जो कोयला का जो माहौल है और मतलब जमीन का जो करेक्टर है, इसमें काफ़ी आग है और भूदशान भी एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग को समझना पड़ेगा और निपटना पड़ेगा। भूदशान से लोग प्रभावित हो रहे हैं, मैं बोलता हूँ आपको। तो ये झरिया मास्टर प्लान, इसी के लिए जो नेशनल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसी के लिए इसको बनाया गया था। ये खाली BCCL और थोड़ा बहुत ECL ये क्षेत्र में आता था, इसलिए देश का और कई भागों में आपको ये नहीं मिलेगा। भूदशान से जो परेशानी लोगों का होता है हम लोग खूब समझते हैं। इसमें लीगल टाइटल होल्डर और नॉन लीगल टाइटल होल्डर दोनों ही रहता है, मतलब जो रैयती है और कुछ लोग ऐसा है कि जो अन्य संस्थान के लिए इधर नौकरी या कुछ काम करने के लिए इधर जुट गया या उस पर बैठ गया, मतलब। तो इसके इनके विस्थापन के लिए भी JMP का तहत, झरिया मास्टर प्लान का तहत पूर्ण काम करने का पूरा प्लानिंग है और उसके तहत हम लोग का भी है कि हम लोग भी चाहते हैं कि ये जहाँ भूदशान हो रहा है उधर से लोग जाके दूसरा जगह बैठ जाए, क्योंकि लाइफ रिस्क जो होता है वो हम लोग कतई नहीं चाहते हैं। काफ़ी लोग इधर से हटे भी हैं जो सेफर जगह में जाके बैठ गया है, तो अगर कहीं और भी डिटेक्ट होता है भूदशान तो उधर से भी हम लोग चाहेंगे कि घर लोग उठा के दूसरा जगह में बैठ जाए और उसमें भी हम लोग पूरा सहायता करते हैं। सर, जोगता 11 नंबर जो आज भूदशान हुआ, इस पे क्या? देखिए, जोगता बोलिए या कहीं भी बोलिए, उस दिन कुछ दिन पहले EJ में भी हुआ है, तो उसमें जिस मोमेंट कोई भूदशान का ऐसा परिस्थिति आता है हम लोग सर्वे भी करते हैं और चाहते हैं कि लोग उधर जो भी बैठे हैं वो सेफर जगह में चले जाए। उसके लिए हम लोग का जो भी प्रबंधन है, RNR पॉलिसी जो भी है, वो भी हम लोग लागू करने के लिए तैयार है। और लेकिन हम लोग EJ में भी जो देखे थे कि हम लोग माइकिंग भी किए हैं कि आप लोग सेफ जगह में चले जाओ, और हम लोग का पुराना एक जैसा ऑफिस बिल्डिंग भी था, जैसे उसका आसपास में भी हम लोग जो बैठाने उन लोगों को गए थे, बट उन लोगों को भी स्वेच्छा से राजी भी होना पड़ेगा जाने के लिए। उनको भी ये समझना पड़ेगा कि भूदशान जो है ये एक प्रॉब्लम है और इसमें ये तो नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि ये कोई कर रहा है, ये तो नेचुरल हो रहा है। तो पहले जो अनसाइंटिफिक माइनिंग हुआ था नेशनलाइजेशन का पूर्व में भी, उस सब से ये उत्पन्न होता है, तो ये लोगों को भी समझदारी आना पड़ेगा और लोगों को समझना पड़ेगा कि हम लोग जो रिस्की जगह जो है उसको छोड़ के कहीं सेफर जगह में चले जाए। उनकी एक मांग होती है उचित मुआवजा और सुरक्षित पुनर्वास, तो आखिर वो क्यों नहीं पूरा कर पाते BCCL? कहीं वही तो कारण है जो ये लोग डेंजर जोन में ही रहना चाहते हैं आपके माइकिंग और जागरूकता के बावजूद भी? झरिया मास्टर प्लान में जो है उसके तहत इसका पूरा आकलन